अरे तुम्हारी दादी घर से कब जाई? घर में तहार बिया लेकिन कुंडली में हमार बैठ गल बिया। ओके समझा दा वरना। हेलो एक्सक्यूज मी, तारा से बात कर रहल बानी हम। हेलो एक्सक्यूज मी, तारा के देख रहल बा हम बिजी बानी, काहे परेशान कर रहल बाड़ू यार हमके? हम ऑलरेडी बहुत परेशान बानी, दैट प्लीज डोंट ऐड टू माय प्रॉब्लम्स। ओके का बिजी बाड़ू? मोबाइल में गेम खेल के और कौन बात के टेंशन बा तारा के? हाँ जे तू चाहत रहू हो गए ना, सब ठीक हो गए, अभी भी घर पे वापस आ गए और स्मार्टली तू पूरा ब्लेम पूर्वी पे भी डाल दे लू बा ना। टेंशन में होके के चाहे तो हम के होके के चाहे, प्रज्ञा भी जिंदा भी और अभी के साथे भी यू नो उ दोनों के साथे देखिला ना तो एक साल हमार उम्र कम हो जाला। और तहरा की यहाँ देखे हमार उम्र कम हो जात बा, तहरा के का लगा था कि हमार लाइफस्टाइल सुपर हिट बा? अरे वो बुलबुल खातिर तक किडनैपिंग करवले रहनी लेकिन वो किडनैप ना भाई, ऊपर से भाई और प्रज्ञा किडनैप हो गई ले। और ये पार्टी देख रहा बाड़ू, दिस सुपर पार्टी, ये पार्टी के देखे तो मन करा था कि हम अपन गला दबा ली। ज्यादा हंसा मत, तू शादी तोड़वावे चाहत रहलू ना, और हमार प्रॉब्लम ई बा कि हम शादी के होखे ना दे सकत, काहे कि अगर वो शादी हो गई ना तो हम तहरा तहरा बन जाई और फिर सबके सामने पे 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 कहके उनके सामने अपन सारा प्रॉब्लम बोला। वाह वालिया सुपर, कितना सेल्फिश बड़ू तू। हां हम सेल्फिश बनी, सो मेक अ डील यू नो, हमके कबो कबो लगेला कि तू हमार दोस्त है ही ना, और हमके लगेला कि तू हमके परेशान करे यहां पे। अगले सुने हम का सोचत रहनी कि अगर कॉर्पोरेटर पकड़ल गइल तो पहले केकर नाम लेही तो हार या हमार नामो के ही के भी लेवे। हम ओसे भी बड़ा बात सोचत रहनी ओई कि मतलब सजा केकरा के ज्यादा मिली, चे सिर्फ नाम बोले भैया या चे किडनैपिंग और मतलब हम ई कहत रहनी कि हम तो सिर्फ नाम बोले बानी ना तो हमके तो तोहरा से कम सजा होगी ना, मतलब तू तो किडनैपिंग की प्लानिंग भी कैलू हो और मतलब हेल्प भी कैलू ना होकर, तो हमके तो कम सजा होगी ना। आपके यहाँ सब हो गई होके तो हम आपके आपके जवाब दी। मिताली भाभी कॉर्पोरेटर तो बहुत दूर की बात बा, उसे पहले तो सबके हम बता देब कि सब कुछ आप कहीं नहीं, कहे कि अगर आप ऐसे सबके सामने चीख चीख के चिल्लाई बंद करब तो आपके लिए बेटर होगी। और आप अच्छा से जाने ली कि जब हम केहू के फसाई ली तो पूरा प्रूफ के साथ फसाई ले और ई तरीका से फसाई ली कि वो बाहर ना निकल पावे, समझ लू आप? खात रही अपन उंगली। अब आलिया तनु दोनों सुंदरी मुंदरी ना बहुत ज्यादा जलपन रहल बानी ना, बस एक मौका चाहिए मिताली तरह के, बस एक मौका इनके जला के ना राख कर दे हम। दर्द ऊपर से तू लोग बहुत बड़ गलती कर देनी हम तू लोग पे भरोसा करके, तू जैसन 10 गधा पाले से अच्छा रहे कि हम कुत्ता पाल लेती। जे अभी और प्रज्ञा के ऊपर नजर तो रखत, तोहरा वजह से वो दोनों हमार पकड़ से निकल गए ले बेवकूफ। भाई 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 पक्या ए अगर कोनो भी मनहूस खबर सुनो ले ना ते तो एजे तोर भेजा उड़ा दे। वो खबर तो मनहूस बा लेकिन उसे बचल जा सकेला। का भाई जल्दी बोल बोल। ओ अभी ना आपके नाम पुलिस के बता देला, पुलिस आपके ढूंढ रहल बा, आपके घर आपके ऑफिस हर जगह आपके ढूंढ रहल बा, हर जगह सील कर रहल बा। आप ना मुंबई से बाहर चल जाओ वरना ये बार पुलिस आपके पकड़ ही ली। ये अभी और प्रज्ञा हमके कहीं के ना छोड़ ले, जंगल से अभी शहर के सड़क पे दौड़े हैं, लगत है शहर ही छोड़े के पड़ी। और खुद से वादा करके जाई हम बदला लेवे वापस जरूर आई। देखा तू लोग तू दोनों जा गाड़ी के इंतजाम करे जल्दी से, यहाँ से निकले के बाद जल्दी जल, 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 जल्दी जी भाई। ई अभी और प्रज्ञा पता ना कहाँ रह गए, दिखाई ही ना दे रहल पड़े। हम बतावत बानी ई दोनों के अकेले रहे के आदत हो गई, भीड़ देख के कोना पकड़ लेवे ले आपन। हाँ और दोनों सिर्फ बात ही करत रहेले और कुछ इनके बस के बाना। हमार मतलब बा कि भाई हमने के खुशखबरी कब सुनाई है, सच बात बा इंदु भाई हमार उम्र हो चुकल भी ऊपर से कबो भी बुलावा सकेला, ऐसे में एगो खुशखबरी मिल जाव तो फिर देखी उम्र 5-10 साल बढ़ सकेले। ई तो बिल्कुल सही कहानी, अब तो रिश्तेदार भी हमसे पूछे लागल बाड़े खुशखबरी कब सुनाईब, अब केकरा केकरा के का बताईब। बुलबुल से तो दूरे रहे के पड़ी, ओही जे चल जातन। प्रज्ञा बेटा तू कहाँ रह गए रहलू? हम ना माँ बस बस
अब इतना शर्मैला की जरूरत ना बा। हमनी के पता बा तू कहाँ रहलू। अभी बतावा कि तू सिर्फ अभी से बात करत रहू कि हमनी के बारे में भी सोचब। देख भाई प्रज्ञा, हमके त तू अच्छा तरह से जाने लू। चुप तो हमसे रहल ना जाला। बिना गप मारे हमार तो दिने ना कटत। अब तो हर मासर ला इत कुछ बोले लेना। त कैसे गप मारी, तू जल्दी से हमके एगो नातिया नातिन दे दे। बस सारा दिन वही से गप मारत रह। देख रहल बाड़ू दीदी, हमने के सामने इतना शर्मा रहल बिया तो अभी के सामने कितना शर्मात होगी। इसे तक कुछ होके वाला ना बा। हमने के अभी से कहे होगी। लेकिन अभी बात कहाँ, अभी का कर रहल बाड़ू दीदी। पार्टी के बाद ओकर क्लास ले। पूर्वी कहाँ बिया? अब ओ प्रज्ञा, पूर्वी ना अपन कॉलेज के ट्रिप पे बाहर गई बिया। उ जाए ना चाहत रहे, उ तो हम ही ओके समझवी कि चल जाव। अरे दीदी और जीजू से तक कबो भी मिल लेबू, पर कॉलेज के ट्रिप इतना जल्दी जल्दी ना मिले ले। तब गई बा बड़ा मुश्किल से, आ जाए थोड़ा दिन में। कौन बात ना दादी, हम अभी आवता नहीं। माँ जी, प्रज्ञा से इसे झूठ बोलब हमके जरा भी अच्छा ना लगेला। हमने कब तक उसे ई बात छुपाई? तू ठीक कर रहल बाड़ू सरला, लेकिन देख तो पार्टी के माहौल बा। हम सब ठीक कर देब, तू फिकर मत करा। हम सब सुन ले बानी, कैसे आप अपन पति के मौत के मुंह से निकल ले बाड़ू। सच में बहुत हिम्मत के काम कई ली आप, ऐसा ता हमने सिर्फ फिल्म में देख ले रानी। अच्छा तो आपके डर ना लगल? ये सब ओकरा से का बात कर रहल बाड़ी? ओह, अब समझ गई। हम रही पार्टी में, हमके साइड करके खुद के नंबर बढ़ावत दिया। अभी बतावत नहीं है कि अगर वो हमरा से कुछ पूछ ले ली तो हम का जवाब दे? एक्सक्यूज मी, हम अभी आवता नहीं। ओके। तू केकरा एक्सपेक्ट करत रहे? जीजू के? हाँ मैडम, आप लोग ना जंगल से बाहर आ गई बनी। फिर से बकवास करे शुरू हो गई ली ना, जाए दी हमके। तू कहीं ना जा सकेली। अरे बुलबुल देखा, तू फिर से ना अपन वो बकवास शुरू मत कर दी। ठीक बा, तो तू शुरू कर ले। अच्छा बाबा बताओ तानी, लेकिन बुलबुल इतना लंबा कहानी बिया कहाँ से शुरू करी? एक काम कर, तू वहाँ से बता जब तू किडनैप भल रहे ना, ओकर बाद तू जब पहली बार जीजू के देख ले रहे ओकर बाद। वो दिन वैलेंटाइंस डे रहल, हमके बहुत बुरा लागत रहे कि हमने के पहला वैलेंटाइंस डे पे हमके लागत रहे कि किडनैपर्स हमके वो दिन मार दिए हैं और इनके देख भी ना पाइप, ना देख पाइप ना मिल पाइप। तभी वो हमारे आंखें सामने आ गई ले। ओकरे बाद हमनी ना भागत भागत एगो ढाबा पे पहुंचनी, ओही जैसे हमनी घर फोन कैले रहनी दादी के। फिर हमनी के रात ओही जे गुजारे के पड़ल। हमनी सुबह उठनी तो हमके पता चलल कि होली है। फिर उनकर कुछ फैंस मिल गए ले जे उनके होली खेले खातिर फोर्स कैले। हम भी होली खेलनी। भगत भगत इतना रात हो गल रहे, हमने इतना थक गल रहनी बुलबुल की हमने के कुछ समझ ही ना आवत रहे, ना हमसे चले जात रहे ना इनसे समझ में ना आवत रहे कि हमने का करी। तो हमने के कुछ खंडर जैसा नजर आए, तो अंदर जाके देखनी हुए को मंदिर रहे। ओ खंडर इतना डरावना रहे बुलबुल, हम दोनों इतना डर गल रहनी कि हमने एक दूसरे से हक कर ले लू। फिर जब वहां पहुंचनी तो आगे
आगे खा ही रहे। हमने कहीं ना भाग सकत रहनी और फिर कॉपरेटर इनका पे गोली चला दे लग। वो गिर ले तो हम उनका हाथ पकड़नी तो हम दोनों साथ में खाई में गिर गई हैं। हम देखने की बेहोश पड़ल बानी। बुलबुल हम सच बता रहल बानी कि हमारा आधा जान निकल गया और हमके कुछ ना समझ में आवत रहे कि हम का करी। हम हर कोशिश कर लेनी, हम उनकर हार्ट बीट चेक करनी, सांस चेक करनी, कुछ ना चलत रहे। फिर हमके ना याद आयल कि हम एक डॉक्टर की एक बार CPR देते देख ले रही। हमके ना पता रहे कि हम सही करत की गलत, पर हमसे जी बन पायल। हम कहीं हम उनकर हार्ट बीट रिवाइव करे की कोशिश करत रहनी, लेकिन फिर भी कुछ ना भेल। फिर हम ओकर बात तो कहलो प्रपोज कहलो। हम ना बता सकीले। बताना सकेली मतलब तो के बतावे के पड़ी दी। ना बता सकीनी ना। काहे तू 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 समझ जाओ कि जब सांस रुक जाले ना, सांस रुक जाले तो सांस देवी के पड़े ले, तो वो सांस देवी के पड़े ले तो हम सांस देनी, हम उनके सांस देनी। सांस देनी मतलब सांस देवे ले ना, हवा हवा दीवी ले, हवा हवा सांस दी। हमके कुछ समझ में ना आ रहा, तू ठीक से बतावा। वो सांस रुक जाले तो सांस ही दीवी की पड़े ले, सांस देवे पड़े ले। यू मीन टू से तू जीजू के ऑक्सीजन मास्क से सांस दे ले, बट तो की ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से मिलल दी? ऑक्सीजन सिलेंडर ना बुलबुल तेरा कोई ना समझ में आ रहा। वो देखी जब सांस रुक जाले क्यों जब क्यों पानी में डूब जाले तो निकले ले लेता। जब कोनो इमरजेंसी हो खेले तब कुछ ना कर सके ले तो उहे करे के पड़ेला, उ सांस देवे के पड़ेला। तरह के कैसे ना पता? ओहो दी हम कैसे जानब? हमका लोगन के सांस देवे त रहली का क्लियरली बोलना कहा। तू गुस्सा मत करिया। अच्छा ना करब गुस्सा, बता तो देखी जब क्योंकि सांस रुक जाले ना तो के सांस देवे पड़ेला, ऐसे सांस में सांस देवे के पड़ेले। समझ रहल बाड़ू तू? सांस में सांस, सास से सास मतलब तू जीजू के किस कहलू? तू जीजू के ऐसे किस कहलू? ओ माय गॉड तू जीजू के किस कहलू थी? आई मीन तू तो कमाले कर देलू। आई मीन तू अपन पति के पहला किस दे ही देलू। दी तू 2 मिनट आइजे बैठ, हम अभी और कहीं जाई हम। ठीक बा का भल तनु? चेक्स ना मिल रहल बाड़े तो तू अपन शर्म बेच खा रहल बाड़ू? तो के तुहार माँ बाप मैनर्स ना सिखाइले? हाँ जब कोई बात करत रहे तो चुपके से उनकर बात ना सुने के चाहिए, तो के नॉक करे के चाहिए ना। ओह आई एम सो सॉरी, हम तो देखने ना कि तार हाथ में मेहंदी लगल बा। नाइस मेहंदी। हाँ वैसे हम और हमार दी कुछ पर्सनल बात करत रहे। अब दी हम के बतावत रहे कि वो चीजू के कौन तरह से पहला किस दे लग। हाँ कहा कहला कि प्रज्ञा के अपन हस्बैंड के साथ पहला किस? वैसे तू प्लीज माहौल के खराब मत करो, प्लीज जा यहाँ से, डोंट डिस्टर्ब अस ओके, और आई विल कैच यू लेटर। मिल गई हमके सुंदरी के जलावे के मौका। अब जब ये बात पूरा पार्टी में पता चली ना, ये खुदे जल भुन के खाक हो जाई। सब छोड़ तू, ये बताओ कि तोहरा पता चलल कि ये हमके जवाब काहे ना देले? एकर ना बस एक रास्ता बादी। का इतना परेशानी दिखला के बाद तू फाइनली जीजू के पंदिल के बात कह देले, राइट?
लेकिन ये वक्त जीजू के दिमाग में का चल रहा बा ये हमने ना जाने ले। लेकिन इतना तो जरूर जाने ले कि जीजू के दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा बा। तू ना चाहे ले कि जीजू तो के अपन दिल के फीलिंग्स बतावे, चाहे ली ना। देखा दी तू जंगल में जीजू के प्रपोज कर ले हा? तो यही बात के लेके जीजू तनी कंफ्यूज हो गई लोखिये की तो के रिप्लाई कैसे करी है। आई मीन वो डरा गई लोखिये, उनकर उनकर दिमाग में बहुत सारा थॉट्स चलत हो किए। वो सोचत हो किए कि तो के कौन तरह से जवाब देवे। पर देख दी तो के पहले मौका मिल गई बा ना, ई मौका के गवाओ मत। तू जाके जीजू से पूछ ले कि उनकर दिमाग में का चल रहा बा। तू पूछत काहे नहीं के जीजू से जाके दी, हमसे ना हो सकत, काहे नहीं के हो सकत दी। काहे कि तेरा वजह से, हमार वजह से। हां तू ही बोले रहलू ना, दिल के बात बता दी, दिल के बात बता दी, ई बोल देनी और सब गड़बड़ हो गए। कितना दूरी हो अगल बा हमनी के बीच में, पहले उनके पास चल जात रहनी, उनसे दो चार बात कर लेत रहनी, उनका ख्याल रख लेत रहनी, जरूरत पड़ला पे झगड़ा भी कर लेत रहनी, लेकिन बात तो होत रहे। अब ना उनके पास जा पाइले ना बात कर पाइले, और वो हमके सामने देख के ऐसे निकल चले जैसे हमके जाने ले ही ना। हमने भी तो हुए कर हलवानी, वो हमरा तरफ देख लेता, डेरा के कोनो और डायरेक्शन में चल जाइले। और ये सब ना तेरा वजह से भलबा। हम काले रहे तो के किडनैप होके खातिर, हम काले रहे तो के जंगल में जाए खातिर। वाह वाह वाह, हमार बतावल दवाई काम कर गई तो अब तो उनके कहत बाड़ू की दवाई कड़वी रहे। यहाँ देख देख, शादी के बाद ना एक लड़की लड़की के पूरा लाइफ बदल जाला, सब कुछ बदल जाला, ओकर नाम बदल जाला, ओकर फैमिली बदल जाले, घर के मेंबर्स बदल जाले। केहू भी लड़की ना चाहले कि अपन माँ बाप के छोड़ के, अपन फैमिली के छोड़ के, अपन बुलबुल के छोड़ के ससुराल चल जाए। लेकिन एक न एक दिन तो के जाए के ही पड़ेला। काहे काहे कि ओके अपन ई शादीशुदा जिंदगी निभावे पड़ेला ना। यही से देख दी तो के ही छोटा छोटा परेशानी से गुजरे के पड़ी दी। बाकी ई जानब भी तो जरूरी बा ना कि जीजू तोरा खातिर का फील करे ले बा ना। देख हम जाने ले बहुत मुश्किल बा, स्पेशली तोरा ला, तू हमेशा। एनीवेज अब तारा एक एग्जांपल देत बानी, स्वर्ग में जाए से पहले मरे के पड़ेला बा ना, एम आई राइट? वही तरह से तोके जीजू के दिल के बात जाने खातिर तोके उनसे पूछे के पड़ी। देख हम बता बता नहीं तोके उनसे कैसे पूछे के बा, तोके बस उनके पास जाए के बा, उनकर आँख में आँख डाल के। आँख में आँख कैसे डालब, उनके आँख के सामने आस पास सिर्फ लड़की बानी, लड़कियन से घिरल बाड़े वो, और वो उनके साथ। ओफो जीजू उनका साथे जरूर बाड़े, लेकिन दी उनकर नजर तो सिर्फ तहरा पे टिकल बा बुद्धू। और जब से तार किडनैपिंग भइल बा ना, तब से जीजू के तो स्वभाव ही बदल गई बाड़े। आई मीन उनकर उनकर नेचर में इतना सब बदलाव, ओ माय गॉड आई कांट टेल यू। कैसन बदलाव? देख तहार किडनैपिंग होखला से पहले तनु उनका ला गर्लफ्रेंड रहे, अब तू उनका ला ऊ रहे, लेकिन अब उल्टा हो गई बा। अब तनु के ऊ माने ले, अब तो के अपन दोस्त, अपन बीवी, अपन गर्लफ्रेंड, अपन सब कुछ माने ले दी। हम देख ले बानी दी, जब तू उनका सामने ना होखे ना, तू हमेशा तो के ढूंढत रहे ले, और जब तू उनके देख लेवे ले ना, तो अपन नजर चुरा लेवे ले। यू नो ऐसा तो तबे होखेला, एक पत्नी अपन पति से अपन प्यार मांगत होके, अपन हक मांगत होके। ती तो के तोहर पहला कामयाबी मिल गई बा, बस दूसरा हासिल करे के बा। तू जाके जीजू से पूछ लेना, आई थिंक ये बेस्ट आइडिया बा। हम ऐसे ना कर सकत, तू ना समझ रहल बुलबुल, जैसे तू सोच रहल बाड़ू ना वैसे ना बोलिए। काहे ना बोलिए? हम गरल बानी ना, वैसे कुछ ना बोलिए, हम उनसे जाके ना पूछ सकत। काहे ना पूछ सकेले? काहे कि हम तोरा के ना बता सकी। तू हमार बात तो सुन, ये ऐसे ना मानिए, एक ना कुछ करे के पड़ी। कुछ समझ में नहीं क्या, पागल कर देले बड़े ही लोग। ये काहे फोन कर रहल बिया हमके? बोला तू हमार बात सुना। का सुनू तोहर? हाँ तोहर भाई पुलिस वालन के हमार बारे में सब कुछ बता देले बा, और अब पुलिस वाला हमारा घर पे, ऑफिस में और हमारा डन पे ढूंढ रहल बाड़े। कहीं के ना छोड़ ले तोर भाई हमारा के, कहीं के ना। तो तू का एक्सपेक्ट करत रहला? हाँ भाई ताराला कोनो अवार्ड फंक्शन रखी है? हम तब तो के साफ साफ कर ले रहनी की भाई के तरफ आंख उठा के मत देखिया, और तू उनके ऊपर गोली चला देला। बहुत आवाज निकल रहल बना तोहर, भाई घर पे आगे ले ही से ना। लेकिन एक बात याद रखिये मिसालिया, अगर पुलिस वाला हमके पकड़ लेना तो हम ओकरा के बता दे कि तू भी शामिल रहलू किडनैपिंग में, समझ लू? तू जानेला नहीं थी कि हम के बानी, अगर चाहे ना तो ऐसन फसाई कि हमार नाम तो लेप तो दूर की बात है, और आखिरी बार हम तोहरा के वार्न करल बानी, एकरे बाद अगर तू ऐसन कुछ भी कैला या फिर दोबारा फोन कैला ना तो हमसे बड़ा।
आलिया किकरा से बात करता रही भाई कुंदा नथिंग इम्पोर्टेंट आलिया यू लुक वरीड इज एवरीथिंग ऑल राइट हेलो इता अभी क्या आवाज है इता अभी क्या आवाज है किकरा से बात करते रहलू तू पर इतना परेशान काहे लगातार और हमारा आवाज सुना थी फोन काहे काट देली हु इज ही इज एवरीथिंग ऑल राइट आलिया भाई हम घर बारी ना इट्स नथिंग इंपॉर्टेंट फिर से फोन वापस काहे कर रहल बिया हे निया फोन उठाओ अबे फोन उठाओ ना भाई अब हम का बात करें कुछ भी बात कर लेकिन बात कर उठा फोन उठाओ हेलो क्या बोला था आई एम गुड वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग हेलो हम पूछे तनी बोलत के बा ओ, 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 भाई हम मच्छी वाला बोलता नहीं मच्छी के पैसा बाकी बा ऐसे फोन कर ले रहा नहीं मच्छी वाला मतलब तीन महीना से मच्छी के पैसा बाकी बा ना वो 5,280 रुपया ऐसे फोन कर ले रहा नहीं देखो काम करा हाँ हमके 5,000 ऑन फी कर देता बस हेलो बॉस हमनी के घर में केहू मच्छी अच्छी नहीं खे खात तोरा रॉन्ग नंबर मिलल बा प्लीज हैंग आउट अच्छा ए भाई तोरा नियत में खोट बा जब तोरा के मच्छी लगत रहे ना तब तू हमरा के बोलत रहला 2 किलो भेजा 5 किलो भेजा अब रॉन्ग नंबर बताओ थोड़ा मच्छी वाला हम मच्छी ना खाले भाई हम तो वेजिटेरियन बनी अब देखी ना सुबह से परेशान करल बा हम भी ये समझावे की कोशिश करत रहनी की केहू मच्छी ना खाले कौन उधार ना बा लेकिन रॉन्ग नंबर समझ लेना देखा ना तुम्हारी घर में केहू पैसा खाए बा और ना ही केहू मच्छी खाई ई खातिर हमारा दिमाग ना खाना तो हम पुलिस के तोरा घरे भेज देब ऑलराइट ए भाई पुलिस के धमकी मत दा हम तोर कंप्लेंट करब रॉन्ग नंबर ना बा तोर नियत रॉन्ग बा देखा हमके हमार पैसा चाहिए बस अगर हमके हमार 2 घंटा के अंदर पैसा ना मिलल तब यू इडियट फोन रखना था तोरा घर में जितना पैसा बा वो भी ले ले ऑलराइट तोर मच्छी भी खत्म तोर उधारी भी खत्म अभी पुलिस के भेजा था नहीं कहा बोला तड़े रे पुलिस के भेजा था नहीं पागल हो गई बड़े का तू तोरा बात संभाले खातिर कल नहीं के बढ़ावे खातिर भाई अच्छा लगल काम करे खातिर ऐसे बोले कि अच्छा से ये अच्छा काम रहे मच्छी के पैसा मांगत रहले कि फिरौती मांगत रहले 2 घंटे में पैसा दे दा वरना एकर तब तोर तब पागल हो गई बड़े का तू ओवर एक्टिंग करे की आदत हो गई तू सब लोग के नंबर ब्लॉक कर दो रॉन्ग नंबर बा हाँ भाई अभी करता नहीं दी हमार बात सुन दी तू हमार बात बात ना सुने वाली तार बात सुन के हम हमेशा फंस जाइले तो के हमार बात सुने के पड़ी तार बात हम उनसे कुछ ना कहब चुप हो जो तू हम के चुप कराए बड़ा हम बानी की तू उम्र में तो तू हमरा से बड़ बाड़े लेकिन प्यार के मामला में ना हम तरह से बड़ बानी हम पूरब के प्रपोज करनी ओकरा बाद हमके जवाब भी दे देले और तू जीजू के प्रपोज भी करलू और अब तक जवाब ना मिलल का आई दी प्यार के स्टेज में ना हम एकदम ऊपर बानी तरह से समझ लो ऐसे हम जे कहब ना उतरा के करे के पड़ी और जो अभी जाके जीजू से अपन जवाब पूछ ले सो जिसन दे रहल बाड़ू की धमकी दे रहल बाड़ू देख पहले सजेशन देत रही लेकिन एक ही धमकी समझ ले और अगर हम ना पूछी तब और अगर ना पूछ लूता ना तो हमरा पास दूसरा ऑप्शन बा हम खुद ही जाके जीजू से तहार प्रपोजल के रिजल्ट पूछ ले एज सिंपल एज दैट ना तू ऐसा ना करबू ठीक बा चल हम तो के लास्ट वार्निंग दे रहल बानी लेकिन अगर तू ना गयलू ना तो फिर तू हमके भी ना रुक सकेलू समझ लू तू हमरे साथ ऐसा काहे करल बाड़ू तू हमार बहन बाड़ू ना तू हमार बहन भी आ एही ला तो दी बहन बाड़ू तुम मुसीबत में डरबू का तू पूछत बाड़ू कि ना पूछत बाड़ू बतावा ना 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 रुक हम चल जाई बा दैट्स लाइक अ गुड गर्ल अच्छा सुन हम एगो फोन कॉल करके आवत बानी तब तक तू ई सोच ले कि तू जीजू के कैसे पूछबे ठीक बा समझ लू ना का हाँ हम समझ गई नी भगवान तो की इतना जिद्दी छूट बे ना हम के देवे के रहे मुसीबत से निकाले के बजाय मुसीबत में डालत रहे ले लिख के दी कि सामने जाके पूछी ना सामने गईला पे तो हमार पसीना छूटे लगे ले हम का करी अरे सरला वो देखा ई प्रज्ञा अपने आप में का बोले जा रहल बिया
और कुछ परेशान भी लग रहा भैया। प्रज्ञा इधर आवा। कुछ ना माँ उब बेटा केकरा आगे पसीना छूट जाला और का लिख के देवे के बा। इला अब तक तो इतना बोलत रहला और अब खामोश हो गए। घर पे हमार कमरा के एसी खराब हो गल बा। ठंडा हवा की जगह गर्म हवा दे रहल बा। तो लिख के सर्विसिंग खातिर देवे की बा। सर्विसिंग वाला के बुला के आपके यकीन ना हो रहल बा तो सचो एसी खराब बा। आप रॉबिन से पूछ ली। रॉबिन के बताबा की एसी खराब ही बा। तू तो ऐसन बोल रहल भी है जैसे केहू कटघरा में खड़ा कर देले बा। बेटा रॉबिन ई काम केहू और से करवा ली। तू चला हमरे साथ केहू से मिलवावे की बा। अब तनु हमके कहां लेके जा रहल बाड़ू। हमके तरह से कुछ बात करे के बा। तो बताओ ना का बात करे के बा तोरा। तनु तू हमके यहां काहे लाइल बाड़ू। काहे की सबे के सामने तू खाली दिखावा करबा कि तू कितना अच्छा पति बाड़ा कितना अच्छा पोता बाड़ा। ऐसे हम तो के ऐजा लाइल बानी ताकि हम सिर्फ अभी से बात कर सके। हमके बताओ अभी ई सब कुछ का चल रहल बा। जब से तू और प्रज्ञा वापस आइल बाड़ा तू हमके अवॉइड करत बाड़ा ना हमसे बात करत बाड़ा ना अपन करीब आवे देत बाड़ा। तनु तू जाने लू ना परिवार के सामने हमने एक दूसरे से दूर रह ली। लेकिन अब तो के हमरा से दूरी बनावे की जरूरत ही नहीं है। काहे कि तू केहू और से अपन सब दूरी खत्म करके आइल बाड़ा राइट। अभी हम तहारी बिहेवियर के वजह जानी ले सिर्फ हम तहार मुंह से जाने चाहता नहीं। तोहरा के कैसे पता। ऐसन बात छुपे लेना अभी। हमके हैरानी बस ई बात की कि तू तू हमके खुद काहे ना बतैला। तनु हम कुछ ना कहनी जौन कहली ऊ कहली। स्टॉप इट अभी। हम तो के बच्ची लगीला या बेवकूफ लगीला कि तहार हर एक बात पे यकीन कर ले। हम अभी ई काम वन साइडेड ना हो खेला। काहे कहला तू ऐसन। आई एम फीलिंग चीटेड। अभी हमके लागत रहे कि तहार लाइफ में सिर्फ हम बानी जे तोके समझ सकेला जे तोहार दिल तक पहुंच गईले। लेकिन अब लगत बा ना तू जगह केहू और के दे देला। तनु तू तू कुछ ज्यादा बोला था। तू कुछ भी कर सकेला लेकिन हम कुछ बोल ना सकेली। अभी तोके हमार बात बेकार लग रहल बा। कुछ दिन बाद हमहू तोके बेकार लगे लगब। अभी तो वो दिन भुला गए जब जब तू रोज शाम के इंतजार करत रहला कि हमने मिला। बोला अभी जब तू बोलत रहला कि आई मेक यू फील कंप्लीट वो सब का रहे। उसे बातें रहल हमरा साथ रहे खातिर कि हमरा साथ टाइम पास करे खातिर कि हमका यूज करे खातिर। तो यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स राइट नाउ। यस तू अपन लिमिट क्रॉस कर सकेला लेकिन हम ना। अभी तू हमके कमिटमेंट करके हमके आई लव यू बोल के तू तू प्रज्ञा के किस कर देला। हम तो के बता भी ना सकेने कि हम कैसन फील कर रहल बानी। अभी हमके लगल कि तू उसे नफरत करेला। तू दोनों के बीच में कबो कुछ न हो सकत यू नो। सब हमके कहला कि किडनैपिंग में प्रज्ञा तोहर अकेलापन के फायदा उठाए लेकिन हम कहनी कि ऐसा न हो सकेला काहे कि हमके तोरा पे भरोसा रहे। लेकिन तू भरोसा भी तोड़ देला। लेकिन वो तो हमके से प्रपोज कर ले रही किसके बाद कहां से आ गई। प्रपोज वो तो के प्रपोज कर ले। ओह माय गॉड मतलब हमनी दोनों के बीच जे कुछ भी रहे वो खत्म हो गए। अभी मतलब तू हम तार लाइफ में कुछ भी ना बने उतार लाइफ में सब कुछ बड़े। हम का कहब अपन पेरेंट्स के। उलोग हमने के शादी के तैयारी कर रहल बड़े। ओ माय गॉड तनु ऐसे कुछ नहीं के जोन तू समझा तारू। ऐसे कुछ नहीं के और ये बात तोरा से के कहलस। योर लविंग वाइफ उ पार्टी में सबके चीख चीख के बता रहल बड़ी पहला किसके बारे में। प्रज्ञा आर यू श्योर। यस आई एम 100% श्योर। हम खुद अपन कान से सुन ले बानी और हमके तो लगा था ओके किस करे से ज्यादा मजा ये ढिंडोरा पीटे में मजा आ रहल बा। ओके ई बात के खुशी ना बा कि अपन पति के किस कइले बा। ओके ई बात के खुशी बा कि वो अभी द रॉकस्टार के किस कइले बा और यही वजह से वो तोहरा बराबर खड़े होके चाहत बिया। हम प्रज्ञा के बारे में बोलत रहनी ना। अरे वो इतना कमाल के बिया वो अभी के जान बचावे खातिर अपन सांस भी दे देला। ओके अपन सांस हाँ सांस ओ का कहले ना मुंह से सांस दे इंग्लिश में का कहले ओके माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। अरे वो ऐसे कह के देवे लेना अब जोन भी कहत हो गए इंग्लिश में हमार नजर में तो किसी भी वैसी प्रज्ञा का पे इंटेलिजेंट भी है और साथ में रोमांटिक भी बिया है। भाभी आई हमके कुछ बात करे के बा। एक्सक्यूज मी भैया बतानी। अरे इधर आओ का करत बानी आप दिखत ना रहे तोरा के। प्रज्ञा के तारीफ के पुल बांधत रहनी हम उ लोग के बतावत रहनी कि प्रज्ञा कितना इंटेलिजेंट भी है
कितना रोमांटिक भी और तो और वो आपन अभी के जान बचावे खातिर आपन सांस भी दे देला। शट अप, हमरे सामने आपकी सब बात करे के कोनो जरूरत नहीं है। कहे काहे ना करी बात, और अगर तोरा के कुछ प्रॉब्लम भी आना तो अपन कान बंद कर ला, लेकिन हमके मत रोकी। बाय द वे तनु, तोहर प्रॉब्लम कोनो बात से है? हां, अभी की जान बच गई ई बात से, या वो प्रज्ञाओं के माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन? जोन भी बा, हमार नजर में तो किस लिया वो कई लग ई बात से। हमके प्रॉब्लम आपके तरीका से बा, जे हो गए से हो गए, अब वो बात के ढिंडोरा मत पीटी। हम तो पीटब, प्रज्ञा कमाले ऐसा कई ले भैया। अभी 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 हम बहुत सुन ले बानी तार किस के किस्सा। ओ जंगल में रोमांस, काका कहिला तो जंगल में। हाँ, एनीवेज कांग्रेचुलेशंस फॉर द किस ऑफ योर लाइफ। तू तो रियल लाइफ में रॉकस्टार रहला ही, और अब तू तो बहुत ही रोमांटिक निकल लगा बात। हाँ, प्लीज प्लीज हमारे तरफ आ रहा बानी, और इतना सीरियस का है दिख रहा बानी। ये अभी प्रज्ञा दी के ऐसे लेके कहाँ जा रहा है? तहार चाल चलन कुछ ठीक ना लग रहा है, दिमाग में चल कर रहा है तहार? दिमाग में का चली, दिमाग में कुछ ना चल रहा है। हम बस अभी और प्रज्ञा दी के ढूंढ रहे थे। आओ तनिया। यारी दोस्ती में प्यार के भूल गए लेना तू? ओ तो ये बात बा, सीधा सीधा बोला ना, क्योंकि मिस करत रहलू। इतना घुमा फिरा के बोले के का जरूरत बा? अच्छा, तोके तो बस मौका चाहिए गो। हमके कुछ इंपॉर्टेंट बात बतावे के बता रखे। हमरा के पता बे का इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं? ये ना कि प्रज्ञा दी अभी के प्रपोज कर ली है। ओ तो तोके पता बा? ऑफ कोर्स। तोके इतना पता हो कि उन दोनों के बीच में किस भी भाई किस? बड़ा एटीट्यूड दिखावत रहला ना हमके, अबाइल उठ पहाड़ के नीचे। पर ये कब भेल? तू जाके अपन दोस्त से कहीं ना पूछ लेता। तू 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 बताओ ना हमके कब भेल, कैसे भेल, बताओ ना प्लीज। देखा पूरा, ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, ऐसे ना बताइब हम। तब तक कैसे बताइबू? तो ठीक बा, तू जॉन बोलबू हम करे खातिर तैयार बनी, हमके पहले बतावे कि कैसे भेल प्लीज। पक्का? अरे प्रॉमिस। ओके बतावा काहे कहलू तू ऐसन? का कहीं नहीं हम। ज्यादा नाटक मत करा, तू अच्छा तरह से जाने लू तू का कहले पड़ो। हम झूठ ना बोल रहे, हमके वाकई ना पता आप कौन बारे में बात कर रहल बानी। तू बाड़ू का करे का चाहत बड़ो, अंदर का दिखे लू, सोचे लू का बोले लू का, हम तोरा समझ भी नहीं के पैनी ना। इस सब काहे बोल रहल बड़ा, हम जैसन बानी वैसन आपके सामने बानी, हम कबो आपसे कुछ ना छिपा। एका मतलब जौन भी कुछ कहलू तू जानबूझ के कहलू ना? हां का कहले बानी हम? झूठ बात फैलावत बड़ू तू, हमके नहीं के पता ये सब काहे कर रहल बड़ू, बट इट्स डिस्गस्टिंग। झूठा बात कौन सी झूठा बात है के तू हमके किस कहलू? बोला तू ये बात बतैलू का है ना? हम तोरा से कुछ पूछ रहल बानी, बोला तू बतैलू का है ना? ये बात सच बा? सच बा के ना? अब तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे, वो हाँ या ना। हम पूछ रहल बानी हाँ या नो? काहे कहलू तू ऐसा? समझेलू का अपना आपके, और हमके का समझेलू तू? तू झूठ बात काहे फैलावा तारू? अपन रेपुटेशन के नाते कम से कम हमार रेपुटेशन का ख्याल रखा। जो उन चीज हमनी के बीच में भइल ही ना, ओके फैलावत काहे बारू तू? का लागत बता रखे के हमार नाम के अपना नाम के साथ जोड़ के तू फ्री के पब्लिक सिटी लेबू? तोरा लागेला कि लोग तोहार दीवाना हो जाइए, ताली बजाइए? देखा तहरा लागत हुई कि तू बहुत बड़ काम के लिए बढ़ू, लेकिन हमने कि यहाँ पे एक चीप पब्लिसिटी बोलल जाला। काहे? Why did you do that?
हम कबो ना सोचे रहनी कि तू ऐसा काम करबो। हम कबो ना सोचे रहनी कि तू ऐसा इतना नीचे गिर सकेलो तू। का जरूरत रही सब बोले के? और भी कुछ बोले के बा कि हो गल तोहर? पूरब तोरा तोरा नहीं किया पता का के लिए बिया। अगर तोरा पता चले ना तू भी ओकरा जाके डटबे। का के लिए बताओ हमके? उ झूठ बात फैलावतिया पूरब। उ सबके यही बता रहल बिया कि हमके किस के लिए बिया। तो क्योंकि बात सुन ला ऊपर रिएक्ट केला यहां तक कि बिलीव भी कर लेला और प्रज्ञा देके डांट भी देला। कबो एक बार खुद से पूछ के देखला कि प्रज्ञा दी ऐसा कैसे कर सकेली आउट ऑफ ऑल द पीपल। तू प्रज्ञा दी के पूरा बात सुन ला का? इनको कोनो मौका देला चांस देला अपन बात एक्सप्लेन करे के तोरा के बतावे के तोरा के समझावे के ना देला। तू तो जानल भी ना चाहता ना कि आखिर भैल का बा। यू नो व्हाट, अगर किस भैल बना तो एक्चुअली हम जाने लगे किस भैल बा। पर हमके लगा था कि हमें कोनो बुराई नहीं किया यार पूरब। तू पहले तो हमारी बात सुना फिर डिसाइड करिया कि हमें का सही बा और का गलत। तोहर किडनैपिंग भैल रहे ओकरा बाद तोहरा गोली लगल रहे एंड ऑल दैट। तू जाने ला कि प्रज्ञा दी तोहर गोली निकली तोहर जान बचौली। पर अभी तू ये ना जाने ला कि एक पॉइंट ऐसा रहे जब तुम्हार हालत बहुत खराब रहे। वो टाइम प्रज्ञा दी कोशिश कर ली, इतना कोशिश कर ली कि तुम्हार सांस वापस आ जाए। शी ट्राइड सो मच बट सब बेकार गए। इट वॉज नो यूज। हिम्मत हार के वही कह ली जो डॉक्टर सलाह देवल है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। और ये सब वो ऐसा ना कहने की कहे कि शो ऑफ करल चाहत रही कि तोरा की किस कह ली। अभी वही सब तुम्हार जान बचावे खातिर कर ली ताकि तू ठीक हो जा। पर तू पता ना का सोच रहा बड़ा। अब तोरा समझ में आये किसके मतलब का भाई? अभी भी तू कुछ बोलल चाहता रहा, उनके इंसल्ट कर चाहता रहा या उनके कुछ और सुनाओल चाहता रहा? कहे कि तू यह तो करेला यार हम मान ला कि तू गए रहा प्रज्ञा दी के पास किडनैपर के बचावे खातिर। वो अकेले गए रहा पर वो तो तोरा के मौत से मुँह से बचो ली यार। ये जो तू अभी खड़ा बड़ा जो पार्टी चल रहा बा फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ ही ये सोचा केकरा वजह से बा? प्रज्ञा दी की वजह से भाई। अरे थैंक यू तो दूर की चीज़ बा, तू इनके इंटेंशन पर भी सवाल उठा रहा बड़ा। हम ना जाने ला कुछ भी तू वह करबा जो तुम्हारा दिल में आवेला जे तुम्हारा दिल कहेला। हम भी ये देखल चाहते नहीं कि जो तुम्हारा के लाइफ मिलल बना एमें तुम्हारा पास दिल बाकी ना। अब जे हम कही नहीं ओकरा ला हमके थैंक्स ना कहबा? ओइसे तोके का लगल कि कुछ दिन अभी के साथे रह के तू ओकर दिल जीत लेबू? तू अपन जान भी दे देबू ना तब वो अभी सिर्फ हमसे प्यार करी बिकॉज ही इज माइन। ओ हमार कितना बात माने ले ओकर एक झलक तो तू देखे चुकल बाड़ू। ऐसे दोबारा अभी के करीब जाके कोशिश मत करियो। देखा ओकरा उहे अभी बा जेके हम जानी ले और अपना आप के देखा कौनो भी एंगल से तू अभी के लायक दिखेलू। अभी के पीछे ना लाखों लेकिन दीवानी बिया आ ऊ लाखन में से ऊ हमके पसंद कर ले। ऐसे हमार जगह लेवे के कोशिश मत करियो कहे कि तू कबो भी हमार जगह ना ले पाईबू समझ लू। Excuse me? Thank you, अभी तू हमके प्रूफ कर देला कि तू सिर्फ हमार हो। Excuse me.